दस्तकारी के लिए आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और आज सीईसी की बैठक में क्या राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक अहम खबर जयपुर से आ रही है, उसका रुख करते हैं। सरसों की खरीद प्रक्रिया को लेकर बैठक शुरू हो गई है। पूर्व निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार खरीद प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, इसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह बैठक की जा रही है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पीके गोयल, प्रमुख सचिव अभय कुमार, रजिस्ट्रार नीरज के पवन और अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। तो जयपुर से एक खबर, सरसों की खरीद प्रक्रिया को लेकर बैठक शुरू हुई है। पूर्व निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही खरीद प्रक्रिया जारी है, लेकिन कितनी दुश्वारियां हैं, कितनी मुश्किल यहां पर किसानों को हो रही है, उसको लेकर चर्चा इसमें की जाएगी। किसे और कैसे आसान बनाया जाए, इसकी कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए और बीच में जो दलाली होती है, जो दलाल सक्रिय हो जाते हैं, बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं, उनकी भी शिकायत कई दफा किसानों की तरफ से की जाती है। खरीद केंद्र की भी अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की जाती है। तो ऐसे में आज की इस बैठक में माना जा रहा है कि इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पीके गोयल, प्रमुख सचिव अभय कुमार, रजिस्ट्रार नीरज के पवन जैसे सभी अधिकारी मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतुराज जुड़ गए। ऋतुराज, किन किन विषयों पर आज चर्चा होगी, कौन कौन सी मुश्किलें जो पॉइंट आउट की जाएंगी, जिनको सॉल्व करने की कोशिश होगी? देखिए, जो सरसों की खरीद जारी है, करीब 2400 रुपए प्रति किलो का जो समर्थन मूल्य रखा गया है, उस पर खरीद को लेकर अलग अलग स्तर पर बाधाएं सामने आ रही हैं। खरीद के लिए जो गेहूं का जो सरसों का उठाव है और उनको लेकर काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब खरीद केंद्र कम है, उसको लेकर भी किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब बातों को लेकर, इन कठिनाइयों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है अभी, और मुख्य सचिव टीबी गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक जारी है। तो विभिन्न जो पहलू हैं इसको लेकर, तो आज इसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुसार फिर नए सिरे से खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। और जो जो एजेंसियां हैं, खरीद एजेंसियां, उनको भी अलग से निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से खरीद प्रक्रिया जारी रहे और जिससे किसानों को कोई समस्या नहीं आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज तमाम जानकारी के लिए।